यहां कानून व्यवस्था चमराई हुई है, दिन दहाड़े मंत्री तक की हत्या हो जाती है। नशे के तस्करों ने, ड्रग माफियाओं ने हमारे नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। भाइयों और बहनों, हमारा ये क्षेत्र किसानों की, कुशल बुनकरों की धरती है। प्रकृति ने भी यहां सब कुछ दिया है जो समृद्धि के लिए जरूरी होता है, वो सब मेरे उड़ीसा के पास है। लेकिन बीजेडी की सरकार ने भात हांडी को खाली कर दिया है। सब कुछ बीजेडी के नेताओं की तिजोरी में चला गया है। यहां कानून व्यवस्था चमराई हुई है, दिन दहाड़े मंत्री तक की हत्या हो जाती है। नशे के तस्करों ने, ड्रग माफियाओं ने हमारे नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। आप मुझे बताइए, उड़ीसा को बर्बाद करने वाली ऐसी बीजेडी सरकार को एक पल भी उड़ीसा में राज करने का हक है क्या? हक है क्या? उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? कौन हटाएगा? ये आपका संकल्प है? अगर उड़ीसा के लोग संकल्प करेंगे, एक मिनट ये सरकार नहीं रह सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं उड़ीसा में जहां जहां गया हूं, लोगों के संकल्प को मैंने देखा है, तब जाके मैं कहता हूं कि बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।